फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही स्पेशल स्वीट डिश दिखाने जा रही हूँ। ये स्वीट डिश ना सिर्फ सुपर टेस्टी है, उसके साथ में ये हेल्थ बेनिफिट से भी भरा हुआ है। ये स्वीट डिश ब्रेन डेवलपमेंट और डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। इसके साथ ये प्रोटीन और फाइबर में भी रिच है। इसका नाम है रागी मिलेट लड्डू। ये बहुत आसान रेसिपी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी किचन। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने रागी का आटा लिया है 1 कप, गुड़ 1 कप, बादाम, काजू और थोड़ा इलायची पाउडर। देखिए, मैंने कढ़ाई ले लिया है, कढ़ाई गर्म हो गया है। थोड़ा सा घी डाल रही हूँ, रागी का आटा। इसको फ्राई कर लेते हैं, इसको 2-3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। इसका एक अच्छा सा खुशबू आता है, उसका मतलब ये फ्राई हो गया है। ये देखिए, ये अच्छा सा फ्राई हो गया है। अभी इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे। अभी इसी कढ़ाई में थोड़ा घी ले रही हूँ, ड्राई फ्रूट्स फ्राई कर लेंगे। बादाम, काजू, आपको जो चाहिए वो ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हो। तो अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए, हमारा ड्राई फ्रूट्स फ्राई हो गया है। चलिए इसको पीस लेंगे। ये देखिए, मैंने पीस लिया है। अभी इसमें ट्रांसफ़र करते हैं। देखिए, मैंने पूरा ट्रांसफ़र कर लिया है। अभी चलिए चाशनी बनाते हैं। इसके लिए मैंने 1 कप गुड़ लिया है, इसको डाल लीजिए और हल्का सा पानी मिक्स कर लीजिए। इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, एक तार का चाशनी बन गया तो बहुत है। गुड़ पिघल गया है। अभी जो ये पीस के रखे थे पाउडर और रागी, इसको डाल लेते हैं और इसको मिक्स कर लेंगे। इलायची पाउडर, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, ये बिल्कुल रेडी है। अभी थोड़ा सा हल्का सा ठंडा करके इसको हम लोग लड्डू बना लेंगे। ये मिक्सचर को ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इसमें हल्का सा हाथ में घी ले लेती हूँ, इसको सा लड्डू बना के रख लेते हैं। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, क्योंकि ये फिंगर मिलेट आयरन रिच होता है, तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है ये।